हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको अपने एग्जामिनेशन में आंसर शीट में डायग्राम का यूज जरूर करना है। तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस के अंदर जितने भी डायग्राम मैक्सिमम बन सकते हैं और उन डायग्राम को कैसे बनाना है वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो देखना और आप सीख जाओगे डायग्राम कैसे बनाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है तो डायग्राम पे फोकस करना बहुत जरूरी है। पहले इंडियन इकोनॉमी नहीं था तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था और बच्चे डायग्राम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते थे। ऐसा नहीं अलग से डायग्राम आपको बोलेगा बनाने के लिए, अगर कॉन्सेप्ट के डायग्राम है तो आप यूज करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। डायग्राम बनाने से चीजें क्लियर हो जाती हैं, टीचर को समझ में अच्छे से आ जाता है कि बच्चे को प्रॉपर नॉलेज है और वो आपके पूरे आंसर को रीड करने की जगह सिर्फ डायग्राम देख के ही समझ जाता है कि बच्चे का जो पॉइंट है वो सही पॉइंट। काफी डायग्राम है, देखो आप यहाँ देख सकते हो, एक करके सभी डायग्राम बताऊंगा और बताऊंगा डायग्राम कैसे बनाना है। तो पूरी चीज सीखेंगे वीडियो के अंदर, छोटी सी वीडियो है, पूरा का पूरा देखना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ कि एग्जामिनेशन से पहले ये 10 मिनट की वीडियो जरूर देख लो, डायग्राम में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। सबसे पहली बात, जब भी आप डायग्राम का यूज करो ट्राई करो कि पेंसिल से यूज करो। क्या कंपल्सरी नहीं, पेन से भी बना सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, आप ऐसे लाइन खींच देते हो, गलत हो गया तो आप ऐसे काट देते हो पेन से। कई बार क्या होता है ऐसे बहुत छोटा सा ऐसे बना देते हैं बहुत लोग, कुछ लोग तो पूरा आधा पेज का भर के डायग्राम बना देते हैं। भाई डायग्राम जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन और प्रॉपर साइज में होना चाहिए, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। आप यहाँ देखो, ये डायग्राम का प्रॉपर साइज जो मैंने आपको बना के दिया हुआ, पेंसिल से ही बनाना ताकि कोई गलती ना हो। ड्रॉ करना लाइन को स्केल से, स्केल लेके जाना तब जाकर ड्रॉ करना लाइन को। साइज जो है वो एक आइडियल साइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, काटा कूटी नहीं होनी चाहिए, ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। और एक्सिस को फिल करना मत भूलना, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो लिखा हुआ है वाई एक्सिस, ये चीजें जो है आप कभी भी मिस मत करना। अगर आप खाली डायग्राम ऐसे बना के आ जाओगे तो ये मुझे बताओ किसका रिलेशनशिप शो कर रहा है, आंसर शीट पे नाम नहीं लिखोगे कैसे पता चलेगा। कितना अच्छा डायग्राम बना लो आप, जब तक ये दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप, ये 2D डायग्राम है, जब तक ये दो चीज के बीच में रिलेशनशिप शो नहीं करेगा तो बताओ कैसे पता चलेगा डायग्राम आपका किस चीज का है। समझ रहे हो बात को। तो डायग्राम जो सबसे पहला डायग्राम है इसके अंदर वो है एग्रीगेट डिमांड। देखो डायग्राम जो आपके पूरे के पूरे सिलेबस में है सिर्फ दो चैप्टर में, ADAS फॉरन एक्सचेंज रेट, यही दो चैप्टर है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और फॉरन एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई। यहाँ पे आई जो होता है वो क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और ये बिल्कुल कांस्टेंट है। देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ज्यादा छोटा नहीं ज्यादा बड़ा नहीं, एक आइडेंटिकल साइज का कम से कम 6-7 लाइन के अंदर ही डायग्राम बनेगा। राइट साइड डायग्राम, नीचे एक्सप्लेन करोगे आप, साइड में एक्सप्लेन करोगे आप। एक्सप्लेन करने से क्या होता है कि आप डायग्राम को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो आपका आंसर वैसे ही लेंदी लेंदी लगता है, भरा भरा आंसर लगता है, और डायग्राम की जगह से आपका काफी पेज जो स्पेस जो है वो भी भर जाता है। तो डायग्राम आपको जरूर बना के आना है जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ओके, तो कंजप्शन जो है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, ए बार। और कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर से बनता है ये, कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है कंजप्शन भी बढ़ता चला जाता है। सी प्लस आई जोड़ोगे तो बनेगा एडी एग्रीगेट डिमांड। जैसा सी का डायग्राम है सेम वैसी एडी का डायग्राम है दोस्तों, लेकिन अंतर क्या है, अंतर सिर्फ है कि सी जो है वो नीचे से बनता है, एडी और ऊपर से बनेगा, और ये दोनों बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे सी हो गया, और यहाँ बन गया एडी। सो एडी का फॉर्मूला क्या होगा, सी प्लस आई कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इस तरीके से ये बन गया आपका AD का C plus I मिलके डायग्राम। ओके, अब बात करते हैं AS की, एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि C plus S कंजप्शन प्लस सेविंग। यहाँ पे कंजप्शन सेम बनेगा जो हमने ऊपर बनाया, थोड़ा सा ऊपर से, और जो सेविंग है थोड़ा नेगेटिव, पहले नेगेटिव जाएगा वाई डैश, फिर यहाँ पे जीरो, और फिर क्या होता है पॉजिटिव। इनिशियल स्टेज पे नया नया काम आपने शुरू किया है तो पैसा बचेगा नहीं, जेब से लगाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे और धीरे धीरे आपको बचने लगेगा पैसा। तो पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, आप दोनों को ऐड करोगे तो जो AS बनता है वो बनता है 45 डिग्री से। AS का डायग्राम मैं आगे जाके सिखा भी दूंगा आपको कैसे बनाना है। अगर आपने दो लाइन ऊपर से छोड़ के सी बनाया है तो यहाँ पे जब आप एस बनाओगे तो ये भी आपने यहाँ से दो लाइन छोड़ के ही बनाना है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जहां पे AS और ये मतलब कि Y और C बराबर है वहीं पे नीचे S क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। जितना गैप यहाँ पे है A बार में उतना गैप यहाँ भी होना चाहिए। अगर Y जीरो है, Y अगर आपकी जीरो है, कंजप्शन 100 है तो सेविंग क्या होगा, माइनस का 100, तो ये हमेशा बराबर होता है जब Y जीरो होता है। तो जब Y जीरो होगा तो जितना गैप ऊपर C से बनाओगे उतना गैप नीचे S से भी आएगा। तो ये बन गया C प्लस S, तो ये हो गया AS का डायग्राम, क्लियर है। तो AD का डायग्राम समझ में आ गया, AS का आपको समझ में आ गया, C प्लस I, C प्लस S,
हर चीज का। अब अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो एडीएस के बराबर होता है और सेविंग किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट, ये रहा सेविंग, तो यहाँ पे जहां एस और आई दोनों बराबर है वो पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम। से बोलते हैं फुल इंप्लॉयमेंट लेवल, क्या बोलते हैं फुल इंप्लॉयमेंट। नीचे आएगा लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट, और यहाँ एस आई, यहाँ पे एडीएस बना, तो यहाँ पे एडीएस, और यहाँ पे आएगा लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट। तो ये हो गया एडी, हो गया एएस, जहां एडीएस दोनों बराबर है वो पॉइंट होगा फुल इंप्लॉयमेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अगला है यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशन गैप। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। तो इन्फ्लेशनरी गैप के लिए क्या करोगे आप, ये अपने एएस जो लाइन है वो तो 45 डिग्री से बनता है, ये तो एएस आपका हो गया, मैंने पहले ही बना रखा है 45 डिग्री से। एडी थोड़ा ऊपर से बनता है, इन एक्सिस डिमांड में होता है इन्फ्लेशन गैप, एडी को ऊपर कर शिफ्ट कर देना। तो ये एडी है, एडी डैश हो जाएगा, और दोनों के एडी के बीच का जो गैप होगा क्या बोलेंगे उसको, इन्फ्लेशनरी गैप। और जो डिफ्लेशन गैप है, डेफिसिट डिमांड बनता है, तो यहाँ पे एडी आपने ऊपर किया, यहाँ पे एडी आप नीचे कर देना, और दोनों एडी के जो बीच का गैप है उसको बोलते हैं डिफ्लेशन गैप। देखो जहां पे एडी एस दोनों बराबर है ये फुल इंप्लॉयमेंट पॉइंट होता है, क्या होता है फुल इंप्लॉयमेंट। और जब एडी ऊपर चला जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सिस इंप्लॉयमेंट या बियॉन्ड फुल इंप्लॉयमेंट। ठीक है, एक्सिस इंप्लॉयमेंट या बियॉन्ड फुल इंप्लॉयमेंट। और डेफिसिट डिमांड में जब यहाँ पे एडी एस के बराबर है तो बोलते हैं फुल इंप्लॉयमेंट, और जब ये बैक साइड आएगा यानी कि जहां पे नया एडी एस को कट करेगा ई डैश, तो वहां पे होता है अंडर इंप्लॉयमेंट लेवल, इसको बोलते हैं अंडर इंप्लॉयमेंट। ओके, तो ये सारे चैप्टर, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है एडी एस का, उसके अंदर ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आइडेंटिकल साइज में अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करोगे ताकि देखने वाले को डायग्राम जो समझ में आ जाए अच्छे से। पॉइंट्स को लिखना मत भूलना, एक्सिस पे बिल्कुल खाली मत छोड़ना। देखो हर जगह आपने एक्स वाई लिखना है, जीरो लिखना है, एडी एस एस आई जो भी आप बना रहे हो वो सारी चीज लिखो। फॉरन एक्सचेंज रेट में क्या होता है, यहाँ आता है डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरन एक्सचेंज, यहाँ आता है फॉरन एक्सचेंज रेट। तो अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर रहेगा उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा अगर, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको बोलते हैं देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई क्या होगा, घटेगा। क्लियर है यहां तक, आगे बात समझ में। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड का डायग्राम आप चाहो तो इसको कर्व में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, स्ट्रेट लाइन या कर्व आपकी मर्जी होगी, आप बना सकते हो। जहां पे इक्विलिब्रियम है वहां पे इस तरह से कर्व में भी आप मैच करके इक्विलिब्रियम रेट बना सकते हो, डन। अब ये जो है इसके अंदर लास्ट पॉइंट है कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कब होता है। अगर आप फॉरेन करेंसी, आप सबसे पहले मेन ग्राफ बना लो ऐसे इक्विलिब्रियम का, और अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड आप ज्यादा करोगे, डिमांड आप बढ़ाते हो डीडी से डी डैश, तो नया पॉइंट बनेगा ई डैश, और यहां पे लाइन खींचोगे तो एक्सचेंज रेट देखो एफईआर से क्या हो गया, एफईआर डैश, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कौन सी होती है, जहां डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है लेकिन सप्लाई अगर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डिमांड अगर बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन, सप्लाई बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन, और अगर सप्लाई घटेगा तो भी क्या होगा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन, और अगर डिमांड जो है घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एप्रिसिएशन। ध्यान रखना डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जो है आप वो इजीली इस तरीके से डायग्राम बनाओगे, डेप्रिसिएशन ऑफ जो है डोमेस्टिक करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एक थ्योरी का पॉइंट है छोटा सा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में एक्सपोर्ट क्या होता है, बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ेगा, पेपर में आता है। हालांकि मैंने इस कंटेंट का बात नहीं है लेकिन मैं फ्री में बता दिया आपको। तो सारा का सारा डायग्राम जो है आपको समझ में अच्छा सा आ गया होगा, प्लीज लाइक कर देना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले, और इसको शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना मत भूलना कि पेंसिल लेके जाना, अच्छे से डायग्राम स्किल से बनाना, सारी चीजों को फिलअप जरूर करना, साइज मस्ट बी आइडेंटिकल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।